हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं नेम पासवर्ड को हम कैसे अनलॉक कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन पासवर्ड पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका लॉक है पहले उसे ओपन करना है। ये देखिए आइस वाले आइकन पर क्लिक करके शो कर सकते हैं, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको इस तरीके से आइकन शो हो जाएगा, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर नेम पासवर्ड दिखने को मिलता है। तो नेम पासवर्ड को अनलॉक कैसे कर सकते हैं, टर्न ऑफ पासवर्ड पर जाएंगे और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपका लॉक है पहले उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आइस वाले आइकन पर क्लिक करके शो कर सकते हैं और कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो रहेगा, आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं नेम पासवर्ड अनलॉक हो चुका है। मैं आपको अपनी लॉक स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये देखिए मेरा जो नेम पासवर्ड है वो अनलॉक हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर पिन पासवर्ड सेट करना तो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर जाएंगे और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, आपको यहाँ पर क्या करना है, लॉक स्क्रीन पासवर्ड पे जाना है। यहाँ पर आपको कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा, आपको यहाँ पर पिन वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको 6 डिजिट का पिन डाल लेना है। इस तरीके से यूज़ पे क्लिक करेंगे दोबारा सेम पासवर्ड डालेंगे और आपका पिन पासवर्ड सेट हो जाएगा।